हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्लॉग्स विद सुल्तान। तो मैं आ चुका हूं अयोध्या फैजाबाद शहर में। तो यहां पर आईमैक्स मार्केट चिर्रा जगनपुर में आईमैक्स क्लब के द्वारा आर्म रेसलिंग का आयोजन किया गया है जो बिल्कुल शुरू होने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ पर फैजाबाद अयोध्या से लेकर लखनऊ तक के प्लेयर आए हुए हैं। काफी अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है। ये देखिए, हमारे पीछे दो खिलाड़ी बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। तो अभी मैं आपको पूरा वीडियो कवर कराऊंगा और दिखाऊंगा। और देखिए, पब्लिक अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई, अभी पब्लिक आएगी। उसके अलावा ऑर्गेनाइजर अरमान रहमान यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, आसिफ भी हैं यहाँ पर। मेयर भाई हटिए यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, आप फालतू खड़े। और मैच स्टार्ट हो चुका है और पब्लिक टेंट के पास इकट्ठा हो जाए, और मैच बिल्कुल स्टार्ट है। और देखिए, अरसलान वर्सेस हो चुका है, जल्दी आइए वरना आप छूट जाएंगे मैच देखने में। और ये भारी भरकम हाथ भाई फाउल हो गया, भाई जीत गए हैं हमारे। ताली हो जाए, ताली हो जाए, जोरदार तालियों से स्वागत है अरसलान भाई का। देखिए, पहले राउंड में अरसलान ने जीत हासिल कर ली है। तो अभी राउंड काफी ज्यादा चल, तुम किस वेट में आते हो? 77। तो 40 केजी से लेकर 85 केजी तक यहां पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है के द्वारा, होने वाला है और काफी बेहतरीन तरीके का। थोड़ा लोग के और ये मैच स्टार्ट होने वाला है बस। आकिब, ये देखो हमारे यहाँ के आकिब भाई आए गए हैं, कमेंट्री पूरी यही करेंगे। अब कहीं जाना नहीं आकिब भाई आपको, हमारे तो इनको बैठाया जाए। तो उसके अलावा सेकंड राउंड हो रहा है अभी, मैं धीरे धीरे पूरा वीडियो देखिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लगातार अरसलान मैच जीत रहे हैं। अरसलान कौन सा वाला जीता आपकी बार? मेरा 70 से 85 वाला अरसलान लगातार दूसरा मैच जीत चुके हैं। उसके अलावा लगातार टूर्नामेंट काफी ज्यादा रोमांचक, काफी ज्यादा शानदार चल रहा है। काफी दूर दूर से प्लेयर यहाँ पर आए हुए हैं, उसके अच्छा जीते हैं। प्रशांत ने काफी बैक टू बैक मैच खेले, सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि उनको कुछ रेस्ट देना चाहिए। अभी बैक टू बैक नहीं होती, स्कूल नहीं जाते क्या सब? यहां एप्लीकेशन को ना लिख पाई है वो, आपकी चिल्ला है। चीयर अप करते हैं दोनों खिलाड़ियों को भी, दोनों खिलाड़ी काफी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। ए कौन जीतता मैच? आई थिंक जो अरसलान के साथ करे उनको तो चीयर अप करना ही चाहिए गाइस। ओ इधर वाले थोड़े बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है। अगर मैच जब जैसे स्टार्ट होता है उस टाइम अगर चेयर अप करते हैं मौहरिया वाले बुला ली DSLR जो कैमरा वाला आ रहा है। मौहरिया खिलाड़ी काफी चुस्त तंदुरुस्त दिख रहे हैं, दोनों के हाथ में ऐसी पावर है जो हार मानने का नाम नहीं ले रही है। Let's see who is going to win this match now, Arsalan or Majid. अगर कोई भी एक मिस्टेक करते हैं तो गेम ओवर हो जाएगा। Let's not make a mistake. और यहाँ पर फर्स्ट फाउल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी हार नहीं मानना चाहते, दोनों खिलाड़ी Let's see. Really, I have never seen.
seen this match before. Woo! But our battle is close. और ये देखिए लास्ट में प्रशांत और अरसलान का मैच हुआ। प्रशांत भाई भी काफी अच्छा लड़े, उसके अलावा अरसलान जो है वो काफी अच्छा फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन प्रशांत जो है वो भी काफी अच्छी फाइट किए हैं। और ये देखिए खेल शुरू हो चुका है। ये कितने मिनट वाला है भाई? 70 वेट वाला है, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से खेल स्टार्ट हो चुका है आप देख रहे हैं। और ये देखिए तुरंत ही भाई ने हरा दिया है और भाई विनर हो गया है। भाई ने तुरंत ही हरा दिया है, मुकाबला जरा भी देर चला नहीं है। उसके अलावा दर्शक यहाँ पर काफी ज्यादा आए हुए हैं, ये देखिए काफी ज्यादा दर्शक हैं, लिखने वाले भाई भी हैं। ये ऑडियंस यहाँ पर काफी ज्यादा आई हुई है, आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए दर्शक काफी ज्यादा आए हुए हैं और शादी विवाह का सीजन चल रहा है। उमर एकदम सुनो, बोलिए ये मैच अरबान का है। उमर ने उमर और सुरेंद्र के बीच ये मैच होगा जो एक खतरे एलोकेट किया है कि कोई भी अनगेम प्लेयर ना हो पाए। हमारे बीच सोहिल और उमर, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता। आपको कान से सुनना है। तो गाइस बस 15 से 20 मिनट का खेल बचा हुआ है, काफी ज्यादा मैच रोमांचक है। उसके अलावा यहाँ पर दर्शक देखिए छोटे छोटे बच्चे भी काफी ज्यादा यहाँ पर आए हुए हैं, टाइगर भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो सारे लोग काफी ज्यादा प्लेयर हैं, काफी अच्छे तरीके से हो रहा है मैच। आई हम्बली रिक्वेस्ट बंटू प्लीज कीप योर माउथ शार्प इनटू द आईज। गाइस ये देखो मैच चल रहा है काफी बेहतरीन तरीके का, हमारे पीछे बिल्कुल 10 से 15 मिनट का बिल्कुल सेमीफाइनल चल रहा है, बेहतरीन तरीके का मैच हो रहा है। और इसके अलावा अब की अच्छा खेली था, getting a lot of chances but still losing the game. Let's see, बंटी जीतते हैं हारते हैं, उन्होंने पूरी पावर लगा दी है, देखते कौन जीतता है इसमें। बंटी की पावर हो सेमीफाइनल ये होने जा रहा है बिल्कुल नुमान और आजिश के बीच में। देखते हैं इन दोनों के बीच कौन फाइनल में जाता है। सेमीफाइनल आकेब आरिस आरिस नुमान आरिस आरिस नुमान आरिस। देखते हैं कौन जीतता है, और फाइनल मैच होने जा रहा है आरिज और बाबू के बीच में। बाबू आओ, बाबू यहाँ आ गए हैं खेलने के लिए। आरिज कहाँ है? सलाम करो, सलाम सलाम करो, सलाम करो। कहाँ से आए हो? कहाँ से? मैदानों से भाई आया है, चलो फाइनल एकदम बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा बाबू और से आरिज है, देखो सारी में हमारे गांव के। उसके पूछो पूछो ये पूछो ये पूछो आकिब ए ये तार हिला है। फाइनल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है?
आपकी मारने क्या चल रहा है? इसने कहा है मुझे बस अपने ओपोनेंट को हराने थोड़े की मैच जीतना है। तो गाइस तो चेयर पर बाबू और आरएस को पहले विजेता है तो कोविड को हराने सीख रहे हैं। बस से उन्हें में से कौन जीता है? दोनों काफी खतरनाक दिखाई दे रहे हैं आमने सामने और यहाँ पर मैच रोक चुका है और कानून एक बार एक अटैक का मेरा मार कुछ और पूछो। ऐसा जैसे आपको लग रहा था कि हैरिस ने आरिस ने तीन मैच कंसिस्टेंटली जीता तो आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप मैच हार सकते हैं, ऐसा कोई फीलिंग थी आपके मन में? बाबू 40 से 50 वाली कैटेगरी जीत गए हैं और चैलेंज कर रहे हैं, कोई लड़ने के लिए चैलेंज कर रहे हो? अभी ऐसा 70 से 50 वाले को लड़ा दोगे तो कौन जीतेगा? नहीं नहीं अपनी कैटेगरी वालों 40 से 50 में आ जाएगा। अच्छा 40 से 50 में ये है 50 से 60 50 से 60 के तो 50 से 60 वाले। उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं पहली बार आर्म रेसलिंग कवर कर रहा हूँ। हट जाओ चैलेंजिंग मैच चल रहा है यहाँ पर। ये चैलेंजिंग मैच काफी बेहतरीन काफी रोमांचक है। बाबू मैच जीत चुके हैं लेकिन उनको चैलेंज दिया गया है। उसको ऊपर सट्टा लगाता हूँ जीत गए चश्मे वाले को। ऊपर रसलान भाई सट्टा लगाने नीचे बैठ के बाहर पब्लिक से बाबू फाइनल जीत चुके हैं लेकिन उन्होंने कहा कि हम मैच कभी हारते नहीं है तो देखते हैं कि कौन होता है। अगर बाबू हराते हैं तो बाबू हार सकता है। बहुत बढ़िया बैठ जाए भैया बैठ जाए। एहसान बीच मुकाबला होने जा रहा है। रेफरी ने अपनी विशेष एहसान भाई मैच जीत गए हैं। तो गाइस बाबू आए हैं सुल्तानपुर से काफी दूर से कूड़े बार से। तो कितने में जीते हैं? 40 से 50 कैटेगरी इन्होंने जीत ली। इनको देर हो रही है, नहीं मेडल सेरेमनी वहीं होती तो इनको पहले ही पहनाया जा रहा है, पहना कर उनको रुखसत किया जाए बाबू को। और एक फेयर गेम खेले और हाथ मत छोड़े, अपना फोकस माइंडसेट हाथ रखिए और रेफरी के ए तोरे लोग पीछे ले बोले बोले जो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। राहुल अपन चैंपियन फील्ड में पहले टूर्नामेंट ओपोनेंट इज वेरी स्ट्रांग और यहां पर मैच हो चुका है। राहुल ये जीत गए हैं मैच, काफी ज्यादा खुश हैं। राहुल वो जस्ट वन द अनदर मैच हियर एंड लेट्स सी कौन जीतता है इसमें। साइबर हाँ यार भाई तो राहुल ने फिर मुकाबला जीत लिया है एक बार और हरा कर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं नहीं या फिर गेम में बने रहने के लिए साहिब राहुल को हरा देते हैं तो एक बार फिर से मैच होगा। अगर साहिब राहुल को हरा देते हैं तो एक बार फिर से मैच होगा बिटवीन देम। नाउ गेम इज जस्ट बिगिन। ए भाई ए जीत गया तो देखो राहुल फाइनल विनर बन चुके हैं। राहुल कहाँ के रहने वाले हो? फतेहपुर सरैया के राहुल विनर हो चुके हैं। अभी मेडल पहना के इनको सम्मानित भी किया जाएगा। राहुल पिछली बार के भी विनर हैं तो राहुल भाई यहाँ पर मैच जीत चुके हैं। उसके अलावा ये फतेहपुर सरैया के रहने वाले हैं तो इनको निमंत्रण में जाना, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। निमंत्रण में जाना है क्या? इसके पहले भी जीते थे क्या? इससे पहले आए थे यहाँ प्रोग्राम था। हाँ हम गए थे अपनी दीदी यहाँ तो प्लॉट रहे थे तो मैंने टैक्सी से देखा हो रहा था तभी घर से तो जीत गए थे पिछली बार का भी भाई। और कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी अनाउंस फिर विनर नेम राहुल अचलान शाबाश हु जस्ट राहुल भाई को माला बोल। राहुल भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देख रहे हैं अब ये अनाना विनर
अरसलान खान कांग्रेचुलेशन भाई शहबाज भाई कांग्रेचुलेशन सारे लोग क्या लिया Now here coming the money prize. Give a big round of applause for him. Money prize is just. Our Masai Bhai Sahib. Distributed to the winners. So first. Them to please. Extra photo. Hello. ये नहीं हां फोटो आप लोग के साथ हो जाएगा हां हां प्लीज जाओ जाओ सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो एक साथ है कल एक थंबनेल टाइप में फोटो पहले सारे लोग पहुंच जाओ हां लास्ट में चलो अब स्टार्ट करो अनदर विनर्स प्लीज थर्ड वाली गिव द चीयर्स भाई चंदू रह दो बस ये बच्चा थोड़े में ये पहना के यहाँ बारी बारी सबको लाओ माजिद को तो माजिद भाई को ये माजिद भाई भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड विन द फाइनल ताबिज भाई नाउ और ये ताबिज भाई आगे भी काफी अच्छा लड़े थे कांग्रेचुलेशंस वेरी वेल आई इमेंसली अप्रिशिएट हिज गट्स गाइस ये थर्ड वाला Guys, a big round of applause for them. They fought really very well. I appreciate them for winning the final match. Now, second, please. बंद कर लियो हम साहिब तो साहिब भाई को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन साहिब भाई जीत चुके हैं द रिकॉर्ड एंड फाउल बेल नाम क्या है विकास विकास भाई भी जीत चुके हैं उसके अलावा काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन नंबर साहिब आई एम शी आरिज भाई भी जीत चुके हैं बेस्ट विशेस फॉर योर ग्लोरियस फ्यूचर आई कंग्रेचुलेट गाइस सारे विनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है सेकंड वाले छूट रहे थे लेकिन छूटने नहीं चाहिए सेकंड वालों का प्राइज है हम लोगों को नहीं पता अंदर क्या है उसके अलावा सारे लोगों को फाइनल अपनी मेहनत का फल मिल रहा है काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं लोग सारे तो गाइस काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा उसके अलावा भाई लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है यहाँ पर तो ये विनर ये भी लोग तुम लोग क्या आए हो थर्ड आने वाले लोग हैं फर्स्ट वाले काफी ज्यादा जल्दी में भागे किसी को शादी में जाना था किसी को निमंत्रण में जाना था तो ये लोग भी जीत कर आए हो ये फाइनली जीते हुए लोग ये भी हैं ये देखो बंटवारा ये लोग कर रहे हैं काफी कैसा था मस्त था कैसा लगा आप लोगों को मेहनत के हिसाब से सही परफॉर्मेंस की सही परफॉर्मेंस की तुम बताओ बढ़िया परफॉर्मेंस थी जितने भी विनर्स हैं कुछ तो चले गए हैं निमंत्रण में बाकी लोग बचे कैसा लग रहा है भाई आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो और क्या चाहते हो कैसा टूर्नामेंट होना चाहिए टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ हाँ बहुत ईमानदारी से हुआ ऐसे ही टूर्नामेंट होना चाहिए ठीक है तो इनाम उनाम लेकर भाई भी खड़ा है तो भाई आप खेले हो कि नहीं खेले हो तो आपको कैसा लगा टूर्नामेंट बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा हाँ ऐसे ईमानदारी से टूर्नामेंट होना चाहिए और ये छोटे बच्चे यहाँ पे मिल गए आप लोगों को कैसा लगा अच्छा लगा है कितना अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा कितना अच्छा बहुत अच्छा उसके अलावा ये देखिए पंजा लड़ाई फिर से चालू हो गई है ये देखिए यहाँ पर हमारे आकिब भाई भी हैं काफी ज्यादा मेहनत किए हैं ये माइक है राकिब भाई काफी ज्यादा मेहनत किए हैं ये भी पूरी रेफरी की है मगर इनको मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि हमारे भाई हैं इनको इनाम में कुछ नहीं देना राकिब भाई मैच कैसा था मैच बहुत अच्छा था और हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मैच फिनिश हुआ यहाँ पर कोई अनफेयर गेम नहीं हुआ और ये जो आर्म रेसलिंग है ये मतलब कभी ना कभी मतलब 2 महीने 3 महीने बाद होना चाहिए क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना वो फिटनेस के लोगों की काफी क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ हमें अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए तो इसलिए हम लोग आम रेसलिंग कराते हैं यहाँ पर तो आकिब भाई मशारी बरसलान और उनकी पूरी टीम मिलके अरमान रमान काफी ज्यादा टीम मिलके जो आईमैक्स क्लब है आर्म रेसलिंग ये लोगों ने नई एक मुहिम चालू की अयोध्या फैजाबाद में जी हाँ वैसे तो मेरा चैनल पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं इस समय
तो इन लोगों ने नई मुहिम चालू की है अयोध्या फैजाबाद में, बिल्कुल ये चीजें नई हैं। तो वीडियो को पूरा आई होप आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।